फिर तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं और दूसरा आपके लिए काम क्यों करेगा। काम तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि जुड़ने की जिद तो हमारी है, किसी और की तो है नहीं। बाकी तो सबकी तोड़ने की जिद है। आपने जो यहाँ 14 अप्रैल का डंका बजा दिया है और 14 अप्रैल का जो वीडियो धनाधन चल रहा है और खूब शेयरिंग हो रही है, वो 1,70,000 तक पहुंच गया है। यानी कि वो वीडियो जो ऑफिशियली है वो 3-3.5 लाख तो यहाँ दिखा रहा है। और अगर फेसबुक और सबका जो व्हाट्सएप का उसका डाटा नहीं आता तो वो 10 लाख लोगों तक वीडियो जा चुका है। और उस वीडियो में जो आपने कहा है कि 14 अप्रैल को सबको इकट्ठा होना चाहिए, तो पर्ची वाले लोगों की आफत आ रही है, जिसमें आपने ये कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, हम तो अपनी रोटी लेके मैदान में आएंगे, हमें मैदान बता दो कौन सा है, हम तो अपनी दरी लेके आएंगे, अपनी चादर लेके आएंगे, हमको टेंट नहीं चाहिए भाई, हमको बारात में नहीं आना, हमको नहीं खानी हलवा पूड़ी बाबा साहब की, सारा तो हमारा अधिकार चला गया, सारा संविधान चला गया और तुम हलवा पूड़ी खा रहे हो। अरे काय का जन्मदिन मना रहे हो तुम, कैसा जन्मदिन मना रहे हो, क्या था तुमने अब तक जन्मदिन मनाया? जन्मदिन पर कोई अलग अलग मनाता है क्या? अपने बाप का जन्मदिन क्या सब लोग अलग अलग मनाते हैं क्या? घर में अगर 6 बच्चे हैं तो बाप का जन्मदिन अलग अलग मनाएंगे? ऐसे बच्चों को तो लात मार के निकाल देना चाहिए जो अपने बाप का जन्मदिन अलग अलग मनाते हैं। ये स्टेटमेंट को बोलना चाहिए सबको, और बोलना चाहिए कि समर सिंह ने यह कहा है कि जो अपने बाप का अलग अलग जन्मदिन मनाते हैं ऐसे बच्चों को लात मार के निकाल देना चाहिए। लात मारकर बोलना, इन्होंने अपने बाप का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया और पूरा जड़ से खत्म कर दिया जो वो लेके आए थे, जो घर उन्होंने बनाया था, और ऊपर से कहते हैं हम जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। अरे दुनिया हंसती है, 6 दिन एक ही शहर के अंदर 6 अलग अलग जन्मदिन मना रहे हो, ठीक है अपने अपने घर में मना लो, मगर सिटी का तो सामूहिक रूप से एक मनाओ। और फिर पैसा किस बात का खर्च करना है, किस बात का लाखों करोड़ रुपया खर्च करना है, करोड़ रुपया अरबों रुपया खर्च हो जाता है उसके अंदर, फायदा क्या है उसका? जब सारे अधिकार चले गए, सब चीज चले गए, तो कौन सा जन्मदिन का फायदा हुआ? बाबा साहब होते तो जो छड़ी उनके पास थी उस छड़ी को मारते मारते तोड़ देते इन घरों के ऊपर, और इनको शर्म नहीं आती। बाबा साहब की आंख क्या बंद हुई? पूरा पूरा मिशन मिट्टी में मिला दिया, पूरा पूरा जो जुड़ने जोड़ने का कार्यक्रम जो बाबा साहब ने ऑर्गेनाइज होने का दिया था सारा खत्म कर दिया। ये बात आपको बार बार बतानी पड़ेगी, आप ही मीडिया हो, अगर बताओगे नहीं तो जन्मदिन फिर अलग अलग मनेगा, और अगर जन्मदिन अलग अलग मनेगा तो फिर जुड़ने जोड़ने का काम खत्म हो जाएगा, फिर नहीं हो सकता। इसलिए अभी से शुरू करना है, तुरंत शुरू करना है, जैसे चाहे वैसे शुरू करना है, क्योंकि जिद हमारी जोड़ने की है, जिद बचने की है, और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी कान लगा के रखिए कि लोगों में बड़ी हलचल हो रही है, थोड़ा सा जोर और लगाइए, सब लोग सीधे होने वाले हैं, जो टेढ़े चलने वाले हैं वो अपनी चाल सीधी कर रहे हैं। थोड़ी ना दिक्कत हो रही है क्योंकि इतने दिन से टेढ़े चल रहे हैं तो कह रहे सीधी कैसे करें बाबू जी, अब तो पैर भी टेढ़ा ही पड़ता है, तो वो जो पैर है वो ठीक करना है। वो पैर उनका हर हालत में ठीक होगा जब आप उनका चंदा बंद कर दोगे, क्योंकि उनकी चाल जो टेढ़ी है वो चंदे से टेढ़ी है। आपने देखा होगा नचनिया को अगर पैसा मिलता रहे तो नचनिया एक गाने को 3 दिन तक गाती रहेगी, 3 दिन तक उस पर आप पैसा वारते रहो, पैसा फेंकते रहो, नचनिया उसी लाइन को 3 दिन तक गाती रहेगी। ये ठीक हमारे यहाँ जो चंदे का धंधा करने वाले जो नचनिया लोग हैं ये उनका काम है, आप पैसा फेंकते हो और वो नाचते हैं, वो पैसा फेंकते हो नाचते हो, भाई उनको नाचने की आदत पड़ गई है, आप पैसा फेंकना बंद कर दो तो ठीक हो जाएंगे। अब नाचने का समय नहीं है, जब हमारे अधिकार आ जाए खूब पैसा फेंकना, खूब नचवाना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अभी समस्या है। अभी अगर वो नाचते रहे तो घर लुट जाएगा, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, बस खिड़की दरवाजे रह गए हैं, अगर वो भी चले गए तो घर खत्म हो जाएगा। इसलिए जिद हमारी जुड़ने की है, जिद हमारी बचने की है, और हर हालत में बचेंगे। 14 अप्रैल को जोर शोर से प्रचार करिए कि 14 अप्रैल मनेगा एक, पैसा देंगे तब, इकट्ठे होके आओगे जब। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है,
या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।